So welcome to today's abs workout. So if you are looking to strengthen your core and tone your mid section, so बिल्कुल सही जगह पे आए हो आप लोग. So यहाँ पे हम देखने को मिलेगा एक ऐसा workout जो कि हमारा target करेगा abs को with variety of exercises designed to work all part of your core. So शुरू करने से पहले एक बहुत important चीज़ की बात कर लेते हैं कि हमारी जो form होनी चाहिए वो proper तरीके से crucial होनी चाहिए, जिसके अंदर हमारी exercises के दौरान हमारे को injury बिल्कुल भी face ना करनी पड़े. So make sure you are engaging your core throughout each movement और आपकी back प्रॉपर तरीके से स्ट्रेट होनी चाहिए हर एक्सरसाइज के अंदर. और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ की हम बात कर लेते हैं कि हमारे को अपनी बॉडी के अकॉर्डिंगली एक्सरसाइज करनी है और उसके अकॉर्डिंगली हमें ब्रेक्स भी देते रहनी है. अगर आपसे सारे रैप नहीं लग रहे हैं, ज़्यादा रैप्स नहीं लग रहे हैं, तो आपको पोजिशन को होल्ड करना है फॉर द फुल टाइम, जिससे कि हमारी स्ट्रेंथ बढ़ेगी और जिसके अंदर हमारा टाइम भी लगेगा और कंसिस्टेंसी दोनों चीज़ लगेगी. बट हमारे को ध्यान देना है. सो स्टार्ट करते हैं अपनी पहली एक्सरसाइज की ओर, जो कि हमारी हैंगिंग लेग रेजेस. सो ये गाइस सिर्फ एकमात्र ऐसी एक्सरसाइज आपको देखने को मिलेगी जो इस वर्कआउट सेशन में थोड़ी सी इंटरमीडिएट लेवल की देखने को मिलेगी, बट ये ग्रेट एक्सरसाइज है आपके लोअर एब्स के लिए और स्ट्रेंथन योर कोर. सो आपको इसके अंदर फॉर्म आपकी प्रॉपर तरीके से, अगर आप बिगिनर हो सो आपके स्टार्टिंग में ऐसी फॉर्म नहीं लगेगी, बट आपको उसके अंदर अपनी नी को बेंड करके फिर इस एक्सरसाइज को मारना है. और इसके अंदर आपकी प्रॉपर तरीके से स्विंगिंग मूवमेंट नहीं होना चाहिए, मतलब आप पूरा स्विंग नहीं करना, और जिससे अगर आपकी बैक के अंदर इंजरी आने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो जाएंगे. सो हमें अपनी बैक की इंजरी को ध्यान रखते हुए और अपने लेवल के अकॉर्डिंगली, अपनी औकात के अनुसार हमें अपनी स्ट्रेंथ को, अपने कोर को ट्रेन करना. अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की ओर, जो कि हमारी केबल साइड क्रंचेस. केबल साइड क्रंचेस एक बहुत बेहतरीन एक्सरसाइज है हमारी ऑब्लिक्स के लिए और लेफ्ट हैंडल साइड्स की पोर्शन को, जो कि काफ़ी लोग ट्रेन नहीं करते जिम के अंदर. सो उसके लिए काफ़ी तगड़ी एक्सरसाइज है, जिसके अंदर आपको अपनी लैट्स को प्रॉपर तरीके से सिंगल हैंड खोल के उसको प्रॉपर वाइडन करके मारना, और दोनों हाथ से आपको 20-20 रेपिटेशन मारने हैं. इसके अंदर हमारे लव हैंडल के साथ साथ प्रॉपर तरीके से हमारा टॉर्सो का मूवमेंट होएगा और अपर बॉडी और लोअर बॉडी प्रॉपर तरीके से लॉक होएगी, सिर्फ हमारी लैट्स भी प्रॉपर तरीके से लॉक होएगी. सो ऐसे हमारे को दोनों हाथों से लगा के दोनों साइड से हमारे को इसी एक्सरसाइज को इसी मूवमेंट के साथ ऐसे करते रहना है, जिसके अंदर हमारी लोअर एब्स और अपर एब्स के साथ साथ हम इस वीडियो के अंदर सारी प्रॉपर तरीके से स्ट्रेंथन करेंगे अपने कोर सेक्शन को. सो नेक्स्ट एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज जो कि हमारी अपर एब्स की होने वाली है, वो है हमारी केबल क्रंचेस. सो केबल क्रंचेस के आपको प्रॉपर तरीके से आपको रोप या फिर रॉड लगा के आपको उसको इस पोजीशन के अंदर लाना है, जिसके अंदर आपके दोनों हाथ आपके नी के साथ आपके एल्बो और दोनों कनेक्ट होंगे, और इसके अंदर आपको प्रॉपर तरीके से धीरे धीरे अपने कोर को एंगेज करना और स्लोली क्रंचेस वाली पोजीशन में फॉरवर्ड आपको करते हुए आना है, जिसके अंदर आपकी एल्बो जो आपकी नी के आस आएगी और अपने आपके एब्स जो प्रॉपर तरीके से कॉन्ट्रैक्ट होंगे, और इस पोजीशन को आपको होल्ड रखनी है काफ़ी कुछ मूवमेंट के लिए, और उसके बाद स्लोली रिलीज एंड रिटर्न टू द स्टार्टिंग पोजीशन. नेक्स्ट एक्सरसाइज है हमारी लाइंग लेग रेजेस. लेग रेजेस के अंदर आपको एक मैट के ऊपर अपने लेग्स को अल्टरनेटिवली ऐसे मूवमेंट दे दिए हैं, और उसके बाद अपने हाथ का भी ऐसी मूवमेंट आपको रखना है. ये हमारी लोअर एब्स की काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन एक्सरसाइज है, और अगर आपसे बिगिनर के टाइम पे ये वाली एक्सरसाइज के अंदर अगर आपके हैंड्स का मूवमेंट नहीं हो पा रहा है, सो आप अपने हैंड्स को प्रॉपर तरीके से अपनी हिप्स के पास रख सकते हो, जिसके अंदर आपके सिर्फ लेग्स का मूवमेंट होएगा. अब बात करते हैं अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज की, जो कि हमारी सीटेड लेग रेजेस. सीटेड लेग रेजेस के अंदर आपकी पोजीशन बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि जिसके अंदर आपकी जो नी है, नी आपकी प्रॉपर तरीके से आपको हेड के साथ बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड आएगी, बस टच नहीं होएगी बट आएगी स्ट्रेट फॉरवर्ड, और उसके अंदर आपको इसके रेपिटेशंस आपको जितने मैक्स टू मैक्स आप जा सकते हो उतने आपको लगाने हैं. नेक्स्ट है हमारी लाइंग ओब्लिक रीच. इसके अंदर हमारे को प्रॉपर मूवमेंट आपकी हैंड की जो फिंगर होती है वो आपकी टो से प्रॉपर तरीके से टच होनी चाहिए, जितना आपसे हो सकता है उतना आपको कोशिश करनी है. इससे हमारे ओब्लिक्स का एरिया प्रॉपर तरीके से ट्रेन होएगा, और काफ़ी लोग स्टूडेंट स्टार्टिंग में क्या करते हैं कि एब्स के अंदर सिर्फ वो सोचते हैं कि सिक्स पैक्स एब्स ही होते हैं. सो अब बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज, जो कि हमारी साइड बॉल ट्विस्ट. इसके अंदर आपकी फुल बॉडी लॉक रहेगी, सिर्फ आपका हैंड्स का मूवमेंट होएगा और आपका प्रॉपर तरीके से एब्स का लोअर बॉडी का मूवमेंट होएगा, टॉर्सो का मूवमेंट होएगा और किसी चीज़ का मूवमेंट नहीं होएगा. होल बॉडी आपको लॉक रखनी है, और अगर आपकी जिम में बॉल नहीं है तो आप डंबल का यूज़ कर सकते हो. उसके बाद हमें प्रॉपर जितना हमारी बॉडी सपोर्ट कर रही है उतना ही हमें अपना वर्कआउट पे ध्यान देना है. जितने मैक्सिमम आप रैप जा सकते हो, जितनी आपकी बॉडी आपको अलाउ करती है उतना ही आपको जाना है, और इसके अंदर आपको वाटर का ध्यान रखना है. और जो लोग बोलते हैं कि कुछ ऐसे, इस वीडियो के अंदर मिथ को क्लियर नहीं करेंगे, नेक्स्ट वीडियोज़ में हम देखे आएंगे जिसके अंदर एप्स के वर्कआउट के अंदर जो मिथ्स होते हैं वो हम प्रॉपर तरीके से क्लियर करेंगे. सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और इसके बाद अगर आप हमें इस वीडियो के अंदर 1000 लाइक्स देखने को मिलते हैं सो हम इसके बाद प्रॉपर तरीके से सेकंड पार्ट एडवांस लेवल का तो डेफिनेटली लेके आएंगे, बट प्रॉपर तरीके से वॉइस ओवर जिम के अंदर ही करेंगे. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अगर आपको कुछ भी क्वेरीज और क्वेश्चन रिलेटेड टू एप्स हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करते हैं.